बैक टू द चैनल। नमस्ते। तो अभी मेरा सांबती देने का टाइम है, तो आओ। सुबह का आज मेरा रेसिपी था। आज क्योंकि लॉकडाउन है तो आज सबके घर में, तो मेरे आयुष के पापा ने एक रेसिपी रखा था जो मुझे बनाना था। तो छुट्टी रहने से, ये घर पे रहने से बहुत काम होता है, तो सुबह का ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई, तो जो थोड़ा सा बनाया मैंने वीडियो किया। जैसे कि आज मैंने घुघनी बनाया और लूची बनाया, तो बस वही था। और बनाया आज चिकन बनाया, लेकिन उसका मैंने नहीं ये कर पाया। आज वो काजल लगाया नहाने के बाद, टीका लगाया और पैर में काजल लगाया। बोलते कि मम्मी मुझे ये देखो, ये देखो, ये देखो बच्चा, ये देखो बच्चा। तो बचपन में बोलता था मम्मी छोटा में आप लोग मुझे काजल लगा देते थे और सब वही करो। तो वैसे ही काजल लगाना अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि गंदा जो आँख में जो मैल होता है वो निकल जाता है। तो मैंने सोचा ऐसा तो वो लोग लगाएगा ही नहीं, चला मैं खुश खुश हो। तो आज मैंने काजल लगाया, टीका लगाया, आज वो अच्छा से शैम्पू दे के नहाया। हाँ, नहाता है, लेकिन मैं एक रूटीन रखती हूँ कि हफ्ता में 2 दिन शैम्पू करेगा। तो आज वो शैम्पू किया क्योंकि उसका पापा था। तो यही है आज का। तो आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आयुष का फेस, जस्ट लाइक कार्टून, यू नो। मुझे तो उसका आज उसका फेस जो भी देख रहा है हंसते ही जा रहा है, हंसते ही जा रहा है। मुझे खुद भी हंसी आ रहा है क्योंकि वो काजल नहीं लगाता है। और आज लगाया ना, जब पहला दिन को नहा के आया था, जब लगाया था तो पूरा एकदम भर चुका था। अभी आस्ते आस्ते वो निकल गया। तो आप लोग ज़रूर बताना उसका फेस क्यूट लग रहा है कि मंकी लग रहा है कि क्या लग रहा है, आप लोग ज़रूर बताना। आप लोग जो कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मुझसे मैं क्या वीडियो करूं, मैं क्या व्लॉग करूं जो आप लोग देखना चाहते हो, क्योंकि कमेंट के ऊपर ही बेस करता है कि मैं क्या करूं। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन आप लोग जो बोलोगे शायद मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। क्योंकि मॉर्निंग का व्लॉग तो नहीं हो पाएगा, कोशिश ज़रूर करूँगी सुबह का व्लॉग। तो जब मुझे टाइम मिलता है, मैंने क्या शाम के सांबती दिया आज मैंने, हर टाइम शाम को देती हूँ मैं। तो वो जो सोकेस के अंदर मैंने जो दिखलाया दुपकाटी, तो वो उसको आपको नहीं दिखलाया, उसके अंदर क्या है मैं ज़रूर दिखलाऊंगी। उसके अंदर भी मेरा गॉड है। और रहा, मैं सब भगवान को मानती हूँ,
तू नेचुरली मैं बंगाली हूँ तो ऑब्वियसली सब भगवान को तो रहना ही चाहिए, और उसके अंदर जो है मैं एक दिन आप लोग को ज़रूर दिखलाऊंगी, उसी को मैं दुख का दिखलाया। तो अगर कुछ भी गलती हो गया तो माफ़ कर देना इस अनीता को। तो बाय, सी यू। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करना प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल को क्लिक नहीं करोगे तो शायद मैं नहीं बढ़ पाऊँगी, क्योंकि आप लोग को मैं सचमुच मैं आप लोग के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये मेरा ख्वाहिश था। तो प्लीज़, और टाटा बाय।